हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन धरती डेरा बाबा नानक साहब है, गुरद्वारा श्री दरबार साहब जो गुरु नानक देव महाराज के बारह चरण छू प्राप्त पावन धरती है, तो उन्होंने समर्पित काफ़ी लंबे समय तो कार सेवा खडूर साहब वालों सेवावान श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सौंपी हुई, समय समय जिमें सरोवर की सेवा, दवान हाल की सेवा, लंगर हाल की सेवा, सरावान दिया सेवावान, हम मेन दरबार साहब की सेवा उत्ते जो उपर गुमद आते हम सोने की सेवा शुरू हुई है काफ़ी चर तो वो समय समय पड़ा दर पड़ा लगती जा रही है। तो ये सोना सब तो पहला महाराज जीत सिंह ने राज वेले उन्होंने अपने राजकाल वेले इतने ये सोना लाया, जो हरिमंदर साहब हरिमंदर साहब सोना इतने एक काल च लगा सारा, तो हम दोबारा दी उत्ते दोबारा सोने की सेवा संगत सहयोग हो रही है। हाँ जी, खूह साहब जो बाबा जित्ता रंधावा जी जो गुरु नानक देव जी का मिलाप होया तो उन्होंने गोश्त की बैठे तो भी पुरातनतम दिख रहे सरदार रजिंदर सिंह जी बाठ जे पुरातन विभाग के डायरेक्टर सेवा मुक्त होए ने, तो उन्होंने देख रेख थले आ कि वो पुरातनता नवीनता ना तैयार करके तो भी हम आने समय से महाराज बहुत जल्दी संगतों को समर्पित होएगा ताकि पुरातन टिंडा खूह जो पिछले समय चलता वो पानी बारे गुरु की बख्शिश है भी इतने जल तकरीबन 12-13 फुट खूह के पानी जल जी खड़ा जी सब पंजाब के खूह तकरीबन लगभग पानी समाप्त हो गया, पर इतने के गुरद्वारा उठिया साहब अजय पातशाह स्थान दोवह के खूह के जल उस तरह बरकरार है। ये पालकी साहब पहला थले शोभ तो सी उन्होंने लगभग 4 किलो सोना लगा सी पालक साहब इन्होंने गुमद के उत्ते वेखो समय से 10 तो मतलब 12 किलो के अनुमान है भी गुमद के उत्ते क्योंकि पहला सोना लगा सी इहदे उपर होर सोना लगाना तो 10-12 किलो लगभग सोना इतने लगी। ये देखो गुरु की बख्शी तो संगत सहयोग ना जिमें जिमें गुरु का कृपा हो संगत सहयोग दे गया तिवें तिवें सारा तीजे पड़ा की शुरू सेवा की आ पहला कलश मोजबान लगा सी फिर गलवान लगा थले हूँ यदा मेन जरा वे वे पत्थर वो शुरू हुए ने संगत का बड़ा सहयोग मिल रहा है। गुरु बख्शी करे मतलब जिमें जल्दी हो सके आप हर कोई कार्ज तो नेपरे चाहना हों भावें वो किस तरह तो गुरु की बख्शी ना जल्दी चढ़ेगी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।